और हर जनसभा पर विश्वास हम नहीं करते हैं। हर द्वार पर जाना है हमको, हर लोगों से मिलना है, और लोगों का जो प्यार हमारे प्रति है उससे लग रहा है कि हम बहुत सारे वोटों से जीत रहे हैं। हम दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के पछवाहा टोल में, जहां आप देख सकते हैं इंद्रशेखर झा जो भावी मेयर के प्रत्याशी हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, मिलकर वो लोगों से अपने हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अभी हम उनसे मिलकर बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उन्हें कितना यकीन है लोगों पर और अपने पुराने किए गए वादों पर। आज हम बात करते हैं एक प्रत्याशी है। सर क्या नाम है आपका? इंद्रशेखर झा। सर आप किस पद के लिए चुनाव लड़ने का मन बना रखा? देखिए मधुबनी नगर निगम में मेयर पद के लिए हम हैं, और हर जनसभा पर विश्वास हम नहीं करते हैं। हर द्वार पर जाना है हमको, हर लोगों से मिलना है, और लोगों का जो प्यार हमारे प्रति है उससे लग रहा है कि हम बहुत सारे वोटों से जीत रहे हैं, और यहाँ कोई चक्कर में नहीं है। यहाँ जितने भी हैं जुमलेबाज सब वो काउंटिंग हॉल से जब निकलेंगे तो अपने आप को कहाँ पाएंगे वो समझ में आ जाएगा। झा जी एक चीज पूछना जानना चाहेंगे, अभी मेरी मुलाकात आपसे अचानक हुई, हर जिस उम्मीदवार से ही हम लोगों की मुलाकात होती है वो खुद को मजबूत बनाते हैं, आप पर लोग विश्वास कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिये इसकी वजह यही है कि हम मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं सिरपुराटी दक्षिणी से, हमने काम करके दिखाया है, जो काम देख के आए हैं, जो समझ के आए हैं, जो गरीबों के लिए आवाज उठाए हैं। हमारे पंचायत में आप जाइए, मेरे पंचायत में आपको कहीं भी कच्चा नाला और कहीं रोड कच्चा नहीं मिलेगा, वहां एक सुई गिर जाएगा तो भी आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सिरपुराटी दक्षिणी तीन गांव है, ककना सरहद सापू। तो क्या आप मधुबनी को भी ऐसा बना देंगे? एकदम बनाएंगे, यही मन बना के इस बार मधुबनी में आए हैं कि मधुबनी को सुंदर मधुबनी बनाएंगे। हम मधुबनी को एकदम जो जल जमाव से की जो समस्या इस वार्ड में हमको अभी मिला है, इस वार्ड में अपने मधुबनी में नहीं, अभी जो इस वार्ड में हम देखे हैं जल जमाव की ज्यादा ही दिक्कत है, जो एक नाला भी नहीं है, आज जल जमाव तो पूरे मधुबनी में है, लेकिन नया विकल्प कोई नहीं ढूंढा। 65 बरस से सब वोट लेते रहे और वो वोट का सदुपयोग नहीं हुआ, जीते लेकिन नया विकल्प नहीं, तीन कनाल पर ही आधारित रह गया मधुबनी। हम नया विकल्प लेके आए हैं, जल जो निकासी है उसका नया रूप से उसका मन करेंगे। तो देखा ये थे इंद्रशेखर झा जी, अभी हम यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे और फिर बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है इनके बारे में।